व्हाट्सअप दोस्तों, सो आज हम लोग और एक सीरीज लेके आए हुए हैं जो कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड है, राइट? सो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया, जो इंडिया के बारे में 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो मैं काजी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में जो कि विद्या बोल के जाना जाता है। सो अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस के बारे में। सो आपको अगर पता नहीं है तो श्रीनगर में एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है जो कि काफ़ी अच्छी लुक देती है, काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। सो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब जो नाव में पोस्ट ऑफिस किया हुआ है, सो जो स्टाफ से उस ब्रांच का स्टाफ्स ऑफिसर जो काम करते हैं उस ब्रांच में, उन लोगों को कितनी मज़ा आती होगी अपने जॉब करते हुए। सो ये पोस्ट ऑफिस डाल लेक श्रीनगर में सिचुएटेड है जो कि इनॉग्रेटेड किया गया था अगस्त 2011 में। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया हैज़ लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क। जो पोस्टल नेटवर्क है वो काफ़ी लार्ज है, 155,015 पोस्ट ऑफिसेस है इंडिया में। एंड जो एवरेज एक पोस्ट ऑफिस सर्व करती है वो है 7,175 पीपल को सर्व करती है एक पोस्ट ऑफिस एवरेज, अगर हम लोग गिनती करें, राइट? और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के आती है वो है शैम्पू इज़ एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। जो हम लोग शैम्पू लगाते हैं सर में वो एक इंडिया की कॉन्टेक्स्ट है, एक इंडिया की कॉन्सेप्ट है, राइट? सो शैम्पू संस्कृत वर्ड से ली गई है, जिस शैम्पू मतलब जो चंपू बोलते हैं हम लोग संस्कृत वर्ड में। सो चंपू का मतलब हम लोगों को पता है कि मसाज होती है, राइट? सो शैम्पू वर्ड जो है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है, इंडिया से ली गई इंडियन कॉन्सेप्ट है, राइट? शैम्पू जो है वो इन्वेंटेड की गई थी, इंडिया में इन्वेंटेड की गई थी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो निकल के आ रही है, 3 नंबर जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो है ही, उसके साथ आपको गर्व भी होगी, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी सुन के, अपने कंट्री के ऊपर प्राउड होगी। एंड वो है अभी तक कबड्डी वर्ल्ड कप जो है वो 5 बार हुई है, एंड 5 बार में 5 बार इंडिया ने फाइनल जीती हुई है, मतलब जो 5 कप है वो हम लोग देश में है, राइट? सो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी है और एक गर्व की बात भी है। नंबर 4 जो निकल के आ रही है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, एंड वो है जो मून में जो वाटर है वो इंडिया ने डिस्कवर किया था कि मून में वाटर है। सो वो इंडिया इसरो के द्वारा डिस्कवर की गई थी। सितंबर 2009 इसरो ने आविष्कार किया था कि मून में वाटर है, एंड जो टेक्नोलॉजी उसने यूज़ किया था वो है मून मिनरोलॉजी मैपर डिटेक्टेड वाटर ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इस डिवाइस ने मून में जो वाटर है वो डिटेक्ट की थी, राइट? नंबर 5 जो है ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, प्लस ये भी गर्व की बात है, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी सुन के। एंड ये है जो स्विट्जरलैंड में जो साइंस डे सेलिब्रेटेड होती है वो सिर्फ डेडिकेट की जाती है APJ अब्दुल कलाम का, जो कि एक्स प्रेसिडेंट है हम लोगों का, राइट? सो ये गर्व की बात है। तो इंडियन प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जब उन्होंने स्विट्जरलैंड 2006 में गया था, तो जब उन्होंने अराइव किया था स्विट्जरलैंड में, तो स्विट्जरलैंड ने डिक्लेयर किया था 26th एज ए साइंस डे, 26th को गए थे 2006 में, एंड 26th को स्विट्जरलैंड ने घोषित कर दिया कि 26 मई 2016 से साइंस डे वो लोग मनाते रहेंगे, APJ अब्दुल कलाम को डेडिकेट करते रहेंगे। सो ये भी था ये काफ़ी गर्व की बात, जो कि हम लोगों को देश के लिए भी काफ़ी अच्छी गर्व की बात है, एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी है, राइट? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने से प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। खुदा